मेरे सभी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को नेहा सिंह का गुड मॉर्निंग और वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल अपना संसार में। मॉर्निंग की प्यारी प्यारी से सुबह के साथ में हाजिर है आपकी दोस्त लेकर के एक डिश। चलिए आज बनाते हैं हम मालपुआ। मालपुआ आपने बहुत बार बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी मालपुआ आपने कभी नहीं बनाया। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने गेहूँ का आटा लिया हुआ है और मैंने इसे भिगो दिया था थोड़ा सा डो जैसा बना करके, एकदम से बहुत ही मुलायम डो बनाया और उसे भिगो दिया 2 घंटे के लिए। साथ में डाल दी चीनी और पानी, 2 घंटे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं इसे अपने हाथों से मिक्स कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं ये मिक्स हो रहा है और किस तरीके से ये घुलता जा रहा है चीनी के साथ में मेरा जो आटा है। ना इसमें आपको खमीर उठाने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है, और ये इतना टेस्टी, इतना फूला फूला बनेगा ना, और सॉफ्ट तो इतना होगा कि अगर कोई बच्चा मुंह में डाल ले, कोई बुज़ुर्ग डाल ले जिसके दांत नहीं है ना, तभी वो बड़े प्यार से खा लेगा और वो मुंह में जाते घुल जाएगा। तो मैं धीरे 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 इसको डो को अपने मिक्स कर रही हूँ, एक लिक्विड फॉर्म में ला रही हूँ, जैसा कि हम एक घोल बनाते हैं उस तरीके से। तो हम घोल बनाते जा रहे हैं और इसमें मैंने गरी डाल दिए थे, तो गरी जो है फूल करके इकट्ठा हो गई है, तो मैं उसे तोड़ करके फैला दे रही हूँ ताकि मेरा जो गरी है वो सब में पूरा मिक्स हो जाए। मैंने, आप चाहें तो गरी नहीं भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं, या आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ करना चाहते हैं। गरी अच्छी लगती है मालपुए में तो मैं ज़रूर डालती हूँ। मैं कद्दूकस कर लेती हूँ या जो कसे हुए नारियल रखे होते हैं मैं उसे डाल देती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। क्वांटिटी आपके हिसाब से बनेगी, आप कितना बनाओगे उसके हिसाब से आप क्वांटिटी। अगर आपने 250 ग्राम गेहूँ का आटा लिया हुआ है तो आपको इसमें लगभग आधा किलो चीनी लेनी होगी, क्योंकि अगर आपका मालपुआ मीठा नहीं होगा तो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी आपको क्वांटिटी भी डिपेंड करता, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसी के हिसाब से। और हम जो नारियल लेंगे या जो ड्राई फ्रूट लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो आटा था वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। नारियल को मैं थोड़ा सा और तोड़ दे रही हूँ क्योंकि वो गुठली गुठली सी बन गई है, क्योंकि गुठली बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। तो अब मैं बाकी के ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल दे रही हूँ, जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है। अगर आप किशमिश खाना पसंद करते हैं तो इसमें किशमिश भी मिला सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। आप ऑयल जो भी यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ करो, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एकदम शुद्ध होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती और गर्मियों में भी ये नुकसान नहीं करता। तो मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, तेल में धुआं उठने लगा है और अब मैं चम्मच की सहायता से डाल रही हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा मालपुआ किस तरीके से फूल करके कितना बढ़िया सा तैयार हुआ है। आपने अगर कभी इस तरीके से मालपुआ नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका टेस्ट लीजिएगा, उसके बाद में बताइएगा कि मेरा बनाने का तरीका कैसा रहा। आसपास अगर आपको थोड़ा शोर सुनाई पड़ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान ना दें। ये देखिए कितना सुनहरा सुनहरा गोल्डन कलर का ये मालपुआ। अगर आप चाहें तो इसे चाशनी में डुबो सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं और एक हफ्ते तक आराम से आप खा सकते हैं। चलिए हम आगे भी और भी सारे बना लेते हैं। और ये इतना अच्छा फूलता है और इतना सॉफ्ट होता है कि मैं बस इसकी तारीफ़ नहीं कर सकती, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गीला सा डो बनाया और चीनी में पानी डाल करके भिगो दिया 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद रेडी है मालपुआ बनाने के लिए। आप मालपुआ किस तरीके से बनाते हो अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको यहाँ पर
DIY के साथ में, मेहोर के साथ में मिलेंगी बहुत ही टेस्टी और सरल तरीके से बनने वाली डिश है। तो ये देखिए मेरे मालपुआ एक एक करके रेडी होते जा रहे हैं और बस खाने को मन ललचा रहा है कि फटाफट ये रेडी हो जाए और हम फटाफट इसे खाएं। मालपुआ थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे मैं भी थोड़ा सा बना लूँगी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रख दूँगी नॉर्मल होने के लिए, उसके बाद में सर्व करूँगी। तो ये देखिए मैंने कितने सारे मालपुआ बना लिए हैं और ये देख रहे हैं, अगर आप क्रिस्पी खाना चाहते हो तो क्रिस्पी भी रेडी है, अगर आप चाहते हो एकदम सॉफ्ट खाना तो सॉफ्ट सॉफ्ट भी रेडी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।